यहाँ एनडीए की जीत तय है, क्योंकि पिछले 35 साल से ये जो महागठबंधन है लगातार ये सरकार में है। लालू जी नीतीश जी मिला के 25 साल रहे जी, और भागलपुर के दंगे के बाद लालू जी का उदय हुआ था और माइनॉरिटी के लोग उनके साथ गए थे इस विश्वास से कि वो लोग, उस वक्त उनको लगता था कि अगर कांग्रेस ने नाइंसाफी की है तो लालू जी इंसाफ देंगे, और माइनॉरिटी के लोग आए और फिर पिछड़ा समाज इकट्ठा हुआ और वो जीत गए। 15 साल वो रहे, माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं किया। फिर नीतीश कुमार आए, उन्होंने भी लालू जी के खिलाफ मैंडेट प्राप्त किया, बीजेपी के साथ रहे। अब नीतीश कुमार ने जो वादे किए थे, जो न्याय यात्रा हुई थी, जब वादे किए तो वादा ये किया था कि हम बिहार के अंदर बिहार के लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, यहाँ भयमुक्त शासन देंगे, और बिहार के लोगों को इलाज के लिए, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए और कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज बिहारी दवाई के लिए भी बाहर जा रहा है, आज बिहारी पढ़ाई के लिए भी बाहर जा रहा है, आज बिहारी कमाई के लिए भी बाहर जा रहा है। तो ये तीनों देने में वो फेल रहे। उनके लोगों ने कुछ उनको कह दिया कि वो पीएम मटेरियल हैं, और पीएम मटेरियल होने की वजह से उनके मन में ख्वाब आ गया कि वो शायद, जिस तरह बीजेपी पहले वो 34 जीते थे और बीजेपी 67 जीती थी 2000 में, तब भी बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया था, तो उनको लगने लगा कि वो अपने बिहार मॉडल पिछड़े राज का होना चाहिए। ऐसे कह के शिवानंद तिवारी जैसे लोग थे जिन्होंने उनके दिमाग में भर दिया कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जो नेता किसी राज्य की पूरी पार्टी का भी नेता ना हो, अलायंस में चुनाव लड़ता हो, वो कैसे देश का, एक भारत देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो ये ख्वाब उन्होंने देखा, उसी दिन उन्होंने बिहार के ख्वाब को तोड़ दिया। और उन नीतीश कुमार आए थे जात पात से ऊपर उठ के, नया बिहार नीतीश कुमार, ये नारा दिया था। लेकिन आने के बाद उन्होंने लालू जी से भी ज्यादा जात पात किया, टुकड़ों टुकड़ों में बांटा। ये मंडल के चैंपियन हमारे साथ हैं, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये सारा नेतृत्व बीजेपी के पास है। तो किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, हम लोग मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे और बिहार के अंदर 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाएंगे। क्या लगता है आपको कि बिहार का मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट देगा? देखिए, बिहार के मुसलमान को तो लालू जी नीतीश जी ने दिया क्या है वो बता दें कि क्या दिया उन्होंने। उन्होंने कुछ दिया नहीं, सिर्फ बीजेपी का डर दिखाया है। लोकसभा में भी बीजेपी का डर दिखाया था, फियर फैक्टर पर चुनाव था। अब मुसलमान फियर फैक्टर में आने वाले नहीं हैं, मुसलमानों के पास एक ही फैक्टर है, डेवलपमेंट का। और ये जवाब नीतीश कुमार जी को देना है कि कलमा पढ़ने वाली कौम को टुकड़े टुकड़े में क्यों बांटा, और जो गालियां उन्होंने सुनवाई है अली अनवर से और उनके लोगों से, समाज को जो बांटने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसका जवाब उनको देना होगा। आपको वोट के लिए, लालू जी को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने एक शुरू किया कि मुसलमानों को भी टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाए। तो बंटवारे के माहिर हैं नीतीश कुमार, अंग्रेज के बाद सबसे ज़्यादा बंटवारा समाज का इन्होंने किया है। एक आखिरी सवाल ये है कि मोहन भागवत जी ने जो आरक्षण का जो बयान दिया है उसका क्या नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी? मोहन भागवत जी की जो राय है वो एक अपनी राय है, हमारी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा ना आरक्षण पर हम विचार करेंगे, न इस पर पुनर्विचार का कोई इरादा ही नहीं, आरक्षण है और रहेगा। समाज के जो पिछले समाज के लोग हैं उनकी एक आबादी है, वो पीछे हैं, उनको उनकी चिंता होनी चाहिए। हम सब समाज की चिंता करने वाले हैं, इसलिए जात धर्म से ऊपर उठकर सियासत करने वाली कौम हमारी है, जो भारतीय जनता पार्टी है। और जो लोग ये समझते हैं कि बांटने की राजनीति करेंगे वो नाकाम होंगे, हम सबको जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर की रैलियों में बड़ी तादाद में अकलियत के लोग भी आ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी किसी अकलियत के नेता से ज़्यादा भरोसा लोग नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा नहीं उतारा है, और बात बार बार जो है सबके साथ सबके विकास की आप लोग कर रहे हैं, जबकि लालू यादव और नीतीश कुमार ने बिहार स्वाभिमान का मुद्दा उछाल दिया है। ऐसे में हर बैनर पोस्टर पर
सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी की तस्वीर होना, कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार के नेताओं पर विश्वास नहीं है बीजेपी को। देखिए, बिहार के नेताओं पर विश्वास है, लेकिन बिहार के नेताओं का विश्वास अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष में है, और हम सब प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा भरोसा नरेंद्र मोदी पे है। आपको जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आए, जिस बेल्ट में 32 में हम 31 जीते थे, एक फेज में 8 में 8 हारा गए थे, उसी में सहरसा और भागलपुर की दो रैली उनकी हुई थी। सहरसा की वो बहुत बड़ी रैली हुई, और भागलपुर की रैली को उनके 2-3 साल की बड़ी रैलियों में उसका शुमार हो रहा है। 5 लाख प्लस लोग थे, कहने को लोग 10 भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 5 प्लस। तो इतनी बड़ी रैली हुई, इतना एतमाद है, यकीन है, लोगों को लगता है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो बिहार का उद्धार होगा, क्योंकि वो केंद्र में है, प्रधानमंत्री हैं। जिस तरह से उनको बिहार के नेता नीतीश कुमार ने बेइज्जत करने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया, उनकी थाली छीनने का काम किया, उनकी हवा को बलोर की हवा बताने का काम किया, आज वही नरेंद्र मोदी बिहार से मोहब्बत करते हैं, और नरेंद्र मोदी पर यकीन है। नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबके विकास के नारे पर लोगों को यकीन है, और इसी यकीन के तहत हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री तो बिहारी ही होगा, इसमें क्या शक है, कोई ये तो हमारे विरोधियों का दुष्प्रचार है कि कौन नहीं बता रहे। तो हमने महाराष्ट्र में बताया था, हमने हरियाणा में बताया था, हमने झारखंड में बताया था, दिल्ली में बताया, यहाँ नहीं बता रहे। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया कि बाद में मुख्यमंत्री बनाएंगे, तय करेंगे नाम, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं होगा, यानी एक तरह से उन्होंने लाइन खींच दी। गिरिराज सिंह जी की अपनी राय है, उनकी अपनी राय लोकतंत्र में रखने का हक है कि नहीं, किसी को वो राय रख रहे हैं। पार्टी की ने साफ तौर पे बताया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, और जात धर्म पैमाना नहीं होगा। वो जब विधायकों से बात, इस चुनाव में जातिवाद हावी है या हिंदुत्व हावी है? नहीं, देखिए, ना हम जातिवादी हैं ना हिंदुत्ववादी हैं, हम लोग विकासवादी हैं। तो नरेंद्र मोदी विकास में यकीन रखते हैं।